दोस्तों, आज मैं बटन मशरूम कंपोस्ट की एक खासियत बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप भी बटन मशरूम की कंपोस्ट बना रहे हैं या खाद तैयार कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी कंपोस्ट अच्छी बनी है या नहीं बनी। ये कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले दोस्तों, आपको कंपोस्ट को अगर देखना है, अगर आपकी अच्छी बनी है या बेकार बनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपोस्ट को अपने हाथ में उठाना है। ऐसे उठा के उसको ऐसे बांध के देखना है। अगर वो बांधने पे एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही है, खुल रही है, तो वो बिल्कुल आपकी कंपोस्ट में मॉइस्चर बिल्कुल सही है और आपकी कंपोस्ट में का सब कुछ ओके है। ओके, आप देख सकते हैं हमारी कंपोस्ट को ऐसे बनाने के बाद में ये खुल रही है, मतलब चिपक नहीं रही, चिपचिपापन नहीं है इसके अंदर, ड्राई है। ओके, एक तो ये होगी। दूसरी बात, आप इसको हाथ में लेके इसको सूंघ के देखने पे आपको बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल भी अमोनिया की स्मेल नहीं आनी चाहिए। एक गुड़ के अंदर जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आनी चाहिए इसके अंदर। ओके, तो ये दो तीन बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी अच्छे से अपनी कंपोस्ट तैयार कर सकें और अच्छे से बटन मशरूम उगा सकें। ओके, तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।